हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग आप सभी को। मैं प्रियल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने इस चैनल पे प्रियल मैम रीजनिंग के अंदर। तो आज के टाइम में कम से कम 3.5 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरे एनटीपीसी ग्रुप डी के, और सभी इस भीड़ में भागे जा रहे हैं। लेकिन भीड़ का हिस्सा सभी लोग हैं, पर जीत केवल 1.5 लाख लोगों को मिलने वाली है। तो कैसे हम उन 1.5 लाख लोगों में आ सके, आज मैं आपको वही 80 दिन की स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ कि कैसे हम तैयारी करें, कम से कम समय में कैसे हम उस मंजिले पहुंच सके जो हमें छूनी है। बिल्कुल वही 80 दिन की बात करने वाली जो एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्जाम 15 दिसंबर से शुरू होने वाला, और हम मान के चल रहे हैं मात्र 80 दिन है आपके पास। 80 दिन में आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और आपको सब कुछ पढ़ना है, और ऐसा पढ़ना है कि हमें एग्जाम क्रॉस करना है बस। तो 80 दिनों में वो स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाली हूँ कि कहां से क्या चीज उठा के पढ़े कि सब कुछ आसानी से हो जाए, समझे। हर कोई पढ़ता है। आज के टाइम में आप देखा होगा कितने बच्चे हैं जो रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, और कब से पढ़ाई कर रहे हैं। आपको हर एक इंसान से कॉम्पिटिट करना है, तो आज मैं आपको वही स्ट्रेटेजी बताने जा रही हूँ कैसे आप सभी से कॉम्पिटिट करके और सबसे अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं बहुत ही लिमिटेड चीजें पढ़ के। मेन बात ये चीजें लिमिटेड हैं और कैसे हम काम करेंगे, तो बात करते हैं हम लोग। आपके सामने आप सभी को बताया 3 सब्जेक्ट होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, सबको बताइए इतने फॉर्म भरा है, रीजनिंग, मैथ्स और जीके। ये आपके पास 3 सब्जेक्ट है। रीजनिंग आएगी आपके 30 मार्क्स की, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, मैथ्स आएगी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, और जीके आएगी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। तो शुरुआत करते हैं हम वन बाय वन से। पहले बात करते हैं रीजनिंग की। हर कोई बच्चा बोलता है रीजनिंग तो हमें आती है, हम आराम से कर लेते हैं। सब लोग के मुंह पे एक ही बात है, रीजनिंग तो हमें आती है, हम आराम से कर लेते हैं। तो जरा उनसे पूछ के देखिए, अगर आराम से कर लेते हो तो बता दो जरा 30 में से कितने नंबर लेके आ पाते हो, ये बता दो पहले, और कितनी देर में लेके आ पाते हो। अगर इतनी अच्छी आती है तो वो बोलेगा 22-23 नंबर तो हम चुटकियों में ले आते हैं। तो भाई अगर आप चुटकियों में 22-23 नंबर लेके आते हैं तो बाकी बच्चा क्या लेके नहीं आता, हर कोई लेके आता है। यहाँ जीत, यहाँ तैयारी जीत की होनी है। यहाँ आपको 2020 में नौकरी लेनी है, 20-22 से काम नहीं चलेगा। आपको वो स्ट्रेटेजी बताई जाएगी कि कैसे आप इन 30 में से, मैं 30 का तो नहीं बोलूंगी, हो सकता है एक आध सवाल टफ आ जाए, लेकिन 29 नंबर कैसे लेके आए। 30 का तो मुझे पता नहीं, पर 29 नंबर गारंटी से कैसे लेके आए, कम से कम पढ़ के। मैं बोलूंगी पूरे 24 घंटे में 1 घंटा दे दो, मात्र 1 घंटे में कैसे हम रेगुलर 80 दिन पढ़ के कैसे 29 नंबर लेके आएंगे। तो इसके लिए केवल एक ही समाधान है, आ जाइएगा शाम को 8 बजे क्लास लेने के लिए। शाम को 8 बजे 8 PM पे होती है रीजनिंग की क्लास, रेगुलर 1 घंटा, 1 घंटे से ऊपर भी नहीं बोल रही, डेली 1 घंटा दीजिए शाम को 8 बजे, और आपको ऐसी चीजें मिलेंगी, और आप आजमा के देख सकते हैं। 1 महीना क्लास ले लीजिए, 1 महीने के बाद खुद को डिफरेंस पता चलेगा कि पहले आपकी रीजनिंग क्या थी, वही 20-22 नंबर वाली रीजनिंग थी, और आज रीजनिंग कैसी आपकी, अंतर खुद ब खुद पता चलेगा आप। कोई बात नहीं, अब बात करते हैं मैथ्स की। बच्चे डरते हैं, हमें मैथ्स तो बिल्कुल नहीं आती, 1000 कमेंट देखते हैं भाई हमें मैथ्स नहीं आती, क्या करें इस मैथ्स का, कुछ हिसाब किताब ही सेट नहीं बैठ रहा। तो मैं बताती हूँ आपको, ये टारगेट देखो, ये तो बात पक्की है कि भाई 100 में से 100 नंबर तो लेके आने नहीं है हमको, ये बात तो पक्की है, 100 में से 100 नंबर का टारगेट है नहीं, ये बात मैं आपसे बोलूंगी भी नहीं। हमें एग्जाम पास करना है, ये बात ध्यान रखो, एग्जाम पास करना है हमें, हम उतना ही पढ़ेंगे हमें जितना एग्जाम पास हो जाए, समझे, स्मार्ट स्टडी। मैं बोलती हूँ 30 नंबर लेके ही मत आओ, 22 नंबर तो ले आओगे, बताओ 22 नंबर तो लेके आ सकते हो मैथ्स में, आप बोलो कैसे आएंगे, बहुत आसान है, सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ने हैं भाई। आपको पता होना चाहिए, आपके दिमाग में एकदम क्लियर इमेज बननी चाहिए कि अगर मैथ्स का पेपर आता है तो किन किन टुकड़ों में पेपर बट के आता है, जैसे आपको उसका डिफरेंशिएट करना आ जाएगा, भाई यहाँ से मैं नंबर उठा सकता हूँ, यहाँ से उठा सकता हूँ, ये नंबर मेरे से नहीं उठते, कोई
हाथ न जाने दो। ये चीज जिस दिन करनी आ जाएगी उस दिन आपका उद्धार हो जाना है, ये बात याद रखना। तो भाई हमें कैसे पढ़ना है मैथ्स को वो सुनिए। आप अपने मैथ्स को कुछ हिस्सों में बांट लीजिए। इससे कौन कौन से ऐसे की सिंप्लीफिकेशन हो गया, आता ही आता है सिंप्लीफिकेशन आपका हो गया। फ्रैक्शंस वाले सवाल हो गए, आते ही आते हैं आपके। एलसीएम वाले सवाल हो गए, एलसीएम एचसीएम वाले सवाल हमेशा आपके एग्जाम में पूछे आते हैं। सिंप्लीफिकेशन नंबर सिस्टम हो गया, नंबर सिस्टम हो गया हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। मीन मोड मीडियन वाले सवाल होते हैं, मीन मीडियन मोड वाले सवाल होते हैं। ये सवाल बहुत बेसिक सवाल होते हैं, बच्चा बच्चा जानता है इनको करना और हमेशा बचपन से आप पढ़ते जा रहे हैं। अब आप बोलोगे क्या इनसे कितने नंबर स्कोर होगा, आराम से कम लेके भी चलोगे ना, कम से कम लेके भी चलोगे तो यहां से आपके 4 नंबर पक्के, कम से कम मिनिमम 4 मार्क्स आपके यहां से पक्के हैं। अब बात करते हैं अर्थमेटिक। इसके अलावा आपके एग्जाम में आएगा अर्थमेटिक, आएगा क्या आएगा अर्थमेटिक, जैसे कि टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, पाइप एंड सिस्टर्न, परसेंटेज, ये टॉपिक्स आने वाले हैं। ठीक है, अर्थमेटिक को हमें घोट के पीना है। चलती है क्लास आके बताऊंगी मैं आपको, अर्थमेटिक को घोट के पी लीजिए। इसको कम से कम अर्थमेटिक मतलब इनको मिला के कम से कम मान के चलिए आपके 20 नंबर का सवाल आते हैं। इसको मिला के 20 नंबर का सवाल आता है, तो 4 यहां से, तो कम से कम 15-16 नंबर का आपके पास ही आता है। तो हमें क्या करना है इनको मिला के एक तो टॉपिक से करने और एक टॉपिक से करने, इनको मिला के कम से कम नहीं तो 19 नंबर खींचने हैं। कितने 19 नंबर, ज्यादा की मैं बात नहीं करूंगी, 21-22 के आसपास का आएगा टॉपिक। आपको केवल और केवल 21-22 नंबर लेने हैं, 21-22 भी नहीं 19 नंबर ले लीजिए, केवल 19 नंबर आपको यहां से लेने हैं। लेकिन देखो एडवांस कमजोर है, आपको नहीं आते मुझे पता है। और अगला पार्ट आएगा आपका एलजेब्रा का, ट्रिग्नोमेट्री का, मेंसुरेशन का, ज्योमेट्री का, ये पार्ट है। बच्चे बोलते हैं मैम हमें ये पार्ट नहीं आता, तो मैंने कहती हूँ बच्चे कोई बात, हमें इतना फोकस करना भी नहीं है, क्योंकि हमें टारगेट हमारा 22 नंबर का है। टारगेट हमारा है मिनिमम 22 नंबर, इसलिए बोल रही हूँ सेफ स्कोर, दिमाग में झंझट ना पड़े कि ये हो गया तो ऐसा होगा नहीं होगा, ये फाड़ेगा, नहीं झंझट नहीं चाहिए हमें, सेफ स्कोर चाहिए। 22 नंबर कम से कम आना चाहिए। कैसे आएंगे, 4 से 5 नंबर यहाँ से खींच लो, आराम से खींचेंगे, आराम से सिखाऊंगी मैं कैसे खींच रहे हैं आपको। उसके अलावा यहाँ से आप लोग 15-16 नंबर यहाँ से खींच लीजिए। अगर यहाँ से आप लोग खींच लेते नंबर 14-15 भी, तो आराम से ना करते करते भी यहाँ से 19 नंबर सेट बैठ जाता है। अब आपको कितना चाहिए, ये पूरा कम से कम 10 नंबर का आएगा, ये पूरा कम से कम 10 नंबर का आएगा। अगर यहाँ से 10 नहीं केवल 2-3 नंबर भी ले लेते हो, हमारा काम तो बन गया। ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलूंगी, केवल इनमें से 2-3 नंबर, क्योंकि 2-3 नंबर तो बहुत ही बेसिक सवाल भी आते हैं, पता है आपको हर टॉपिक में सवाल बनेगा, 2-3 नंबर ले लेते तो भी आराम से खानी बन गई। तो देखो बिना टेंशन लिए भड़क लिए हमने कितनी आसानी से चीजों को डिफ्रेंशिएट कर लिया। आप भी ऐसी सीखिए, चीजों को बांटिए कि कहां से आप लोग खींच सकते हैं नंबर को, उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए कि नंबर ना छूटे, और जहां से आपका वीक पड़ता है कोई बात नहीं, ऊपर से पढ़ के एक नंबर तो ले लेंगे वहां से, ऐसा करना है। तो आराम से हमने 22 नंबर इकट्ठा कर लेंगे यहाँ से। और इसके लिए आपको क्लास देखनी है 9 बजे, इसकी रात को 9 बजे क्लास होती है आपकी मैथ्स की, रेगुलर देखिए आपको। NTPC ग्रुप डी का उससे बाहर आने जाना है नहीं, चाहे आप कोई भी प्रीवियस से उठा के देख लीजिए, अगर ऑब्जर्व किया है तो कितने नंबर आता है, ये बात हो गई। अब बात करते सबसे खतरनाक मुद्दा है हमारा ये 40 सवाल, सबसे खतरनाक मुद्दा है ये 40 सवाल। अब बच्चे बोलते हैं कि मैडम करंट अफेयर्स है क्या करें, मतलब जीके जीएस का क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने कहा मैडम यहाँ पे है तो टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं है, मैं सिखाऊंगी कैसे कुछ चीजों को पढ़ के। देखो जीके बहुत बड़ा है, UPSC में भी जीके आता है, CGL में भी जीके आता है, NTPC में जीके आने वाला है, और जीके का दायरा बहुत बड़ा है, हमें वो दायरा को क्रॉस नहीं करना है, हमें अपनी लिमिट्स देखनी है कि पढ़ना कैसे और कहां से है। अब बहुत समझना, बहुत ध्यान से ये चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ये चीज समझना। देखिएगा बात को ऐसी है, आप जीके को 200 बांटो, पूरे जीके को 200 बांटो, 200 कौन से होंगे, एक आएगा करंट अफेयर्स वाला हिस्सा और एक आएगा अलग वाला जी,
एक करंट अफेयर्स वाला जीके हो गया और एक बाकी बचा हुआ जीके आ गया। ठीक है, बहुत ध्यान समझना, करंट अफेयर्स को भी दो हिस्सों में बांटो, करंट अफेयर्स को भी दो हिस्सों में बांटना है। दो हिस्से कौन से हो गए, एक तो कॉमन हिस्सा जो करंट अफेयर्स का आता ही आता है, एक करंट अफेयर्स का स्टैटिक पार्ट भी आता है जो दो से तीन नंबर का आता है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर कौन है, सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, लोकसभा का कौन है। ये चीज रेगुलर पढ़िए, डेली नजर डालिए, डेली नजर, आराम से इकट्ठा हो जाएगा। दो से तीन नंबर यहाँ से आराम से पक्के हो जाएंगे। और करंट अफेयर्स बाकी बचा हुआ ये 20 का आता है, अराउंड अप्रोक्सीमेट है, और ये 20 का आता है, अप्रोक्सीमेट बता रही हूँ मैं आपको। दो से तीन नंबर आराम से यहाँ से आप खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और करंट अफेयर्स ये बताऊंगी कैसे नंबर खींचना है, वो बताऊंगी आपको। अब बात होती है जीके की, जो बच गया, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, इसमें क्या क्या वो देखिए, इस 20 नंबर में कितनी खिचड़ी पकी हुई है देखना। इसमें आपकी साइंस भी आएगी, इसमें आपकी साइंस भी आएगी, इसमें आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी भी आएगी, इसमें आपका स्टैटिक का पोर्शन जैसे स्टेडियम हुआ, अपॉइंटमेंट्स हुए, अवार्ड्स हुए, और आपका क्रिकेट मैच का हुआ, या फिर बहुत सारी चीजें हो गई, नेशनल पार्क का, वो सब चीजें भी आएंगी। ठीक है, ये और ये, और ये तीन चीज आने वाली है इसमें। एक तो साइंस वाला हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी हो गया, स्टैटिक हो गया। इस 20 नंबर में से कितना खिचड़ी बनने वाली है, अब क्या क्या पढ़े, दिमाग गया खत्म, क्या क्या पढ़े, इन सब का समाधान एक ही है। बहुत लिमिटेड चीजें आती हैं हर एक एग्जाम के अंदर, आप थ्योरी में घुस के जाओगे, 2 घंटे थ्योरी पढ़ोगे लगातार, 1 महीने थ्योरी पढ़ोगे, और निकल के क्या आएगा, कुछ। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन के थ्रू समझिए कि कहां पे बात लिंक करी आती, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन पढ़िए। और इन सब चीजों को कवर करने के लिए आपकी शाम को 7 बजे क्लास चलती है, डेली केवल 30 सवाल करवाते हैं, डेली 30 क्वेश्चन शाम को 7 बजे कराए जाते हैं, डेली लगातार 80 दिन तक पढ़िए, लगातार 80 डेज तक पढ़ते रहिए, लगातार पढ़िए, लगातार पढ़ोगे चीजें खुद ब खुद याद हो जाएगी। और बात बचे स्टैटिक की, स्टैटिक का अलग से करा जाएगी क्लास में आपको, स्टैटिक में आपका हो गया नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आपका डैम्स, रिवर्स, ये छोटी छोटी चीजें जो होती हैं, स्टेडियम्स, एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स, ये सब चीजें वो कराई जाएंगी आपको, अलग से कराया जाएगा, 1 हफ्ते में ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो आपको फोकस क्या करना है, अब देखो आपने चीजों को बांट लिया, कैसे बांटा, एक हो गया करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स पढ़ो, डेली पढ़िए। अभी 1 से 2 दिन के बाद हम लोग की क्लास स्टार्ट हो जाएगी सुबह करंट अफेयर्स की, 10 से 15 मिनट की क्लास होती है, डेली नजर डालिए, रेगुलर नजर डालिए, आराम से करंट अफेयर याद हो जाएगा, याद करना नहीं पड़ेगा, अपने आप याद हो जाएगा। अब ये गलती मत करना, अभी सही मतलब 6 महीने पुराना करंट अफेयर पढ़ना चालू कर दो, नहीं वो अभी नहीं करना, अभी आप जो डेली जर्नल चल रहा है उसमें ध्यान दीजिए, जब डेली की चीजें याद हो जाएंगी तो पिछला अपने आप धीरे धीरे याद होना चालू हो जाएगा। पीएम गवर्नर्स जब करंट अफेयर्स करवाते हैं ना, उसमें हर चीज को बताते हैं कि इसका सीएम ये है, इस कंट्री का, इस स्टेट का सीएम ये हो गया, इसका प्राइम मिनिस्टर ये हो गया, हर चीज बताई जाती है, वो चीज देखते जाइए आप। इन सब के लिए आपकी शाम को 7 बजे क्लास चलती है और स्ट्रेटजी जब कराया जाएगा। अब आप सोचिए इतने बड़े हिस्से को हमने कितनी इजीली ब्रेक किया, और इन सब से आप, मैं मान के चल रही हूँ, बताया कम से कम भी करोगे ना, कम से कम भी तो 30 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, 40 में से 30 नंबर अगर ऐसे टुकड़ों में आप बांट लेते हो तो 30 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले, बहुत इजीली आप स्कोर कर सकते हो, बहुत इजीली। केवल क्या करना है, यहां से 15 नंबर लेना है, इनको मिला के 15 नंबर लेने और यहां से 15 नंबर लेने, कुछ नहीं करना आपको, इस पूरे में से 15 नंबर लेने और इसमें से 15 नंबर उठाने हैं, और ये नंबर उठाना ज्यादा बड़ी बात नहीं है, डेली की क्लास आपको देखनी है। एक शाम को 7 बजे क्लास होती है और एक 11 बजे रिवीजन क्लास चलती है, 2 क्लास दीजिए करंट अफेयर्स की, जीके जीएस की, आराम से आपका, देखो इन दोनों क्लास से आपका ये पूरा पोर्शन कवर हो जाएगा, इतना पूरा पोर्शन, एक करंट अफेयर्स की क्लास चला जाएगी सुबह उसका वो कवर हो जाएगा, डेली पढ़ाई कीजिए, आराम से आप चीजों को कवर कर सकते हैं बहुत इजीली। तो ये आपका टारगेट था, अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ काम करेंगे, देखिए आराम से कितने नंबर हो गए, नंबर हो गए रीजनिंग में 29 मान लीजिए, मैथ्स में 22 नंबर मान लीजिए, और इसमें आपका 30 नंबर मान लीजिए, ना ना करते करते भी आपका 81 के अराउंड नंबर हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 81 मार्क्स, ये बताया मैंने आपको मिनिमम मार्क्स,
कम से कम तैयारी करके 81 मार्क्स आप आराम से कर सकते हैं। तो ये आपकी वो स्ट्रेटेजी है जो आपको अपनाना चाहिए, जो आपको 2020 में नौकरी करीब लेके जाएगी, मिनिमम चीजों को यूज करते हुए, कम से कम चीजों को यूज करते हुए। ये ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं बोलूंगी, इसके बाद एक टीवी से किताब को सॉल्व करना और कुछ भी नहीं है, आराम से इजिली सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल रहा होगा कि कैसे हम 80 डेज में विद स्ट्रेटेजी काम कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो कि पता नहीं 2021-22 में नौकरियां आए ना आए, अगर 20 में नौकरी आ रही है तो भाई लूट लो, शब्द यही बोलूंगी, लूट लो हो सके तो बस। तो थैंक यू। अगर आई होप आपको ये चीज पसंद आई होगी और आप अपनी लाइफ में इसको अप्लाई भी करेंगे, तो शाम को 8 बजे, शाम को 9 बजे और शाम को 7 बजे, शाम को 7 बजे क्लासेस हमारी चालू होती है NTPC की। जरूर देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। थैंक यू, टेक केयर।